नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। कामेश्वर बैठा जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समर्थन में काफी लोग खड़े हैं, तो वहीं हमारी टीम ने पब्लिक की ओपिनियन ली, पब्लिक के बीच जाके जाना कि कामेश्वर बैठा का जो छाप है वो किस तरीके से लोगों के बीच है और पब्लिक ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, हम झूठ नहीं बोलते हैं, झरगाड़ा पंचायत से बोल रहे हैं। कामेश्वर बैठा जी कंटिन्यू जीतेंगे हमारे पंचायत से। 2000 रुपया एक वोट तुमको मिलेगा तेरे घर में। हमको सर पैसा नहीं चाहिए, बस उनको, बस हमको जितना भी परिवार है उतना भी हमारा परिवार शिक्षित है। है तुम्हारे घर में वोट? हमारा पास 10 वोट है। 10 दुनी 20। 20,000 लोग? नहीं सर, नहीं। अच्छा, घूस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। 20,000 मिल गया। अभी क्या है सर बोलोरे में? किसको वोट दोगे? 20,000 मिलेगा कामेश्वर बैठा जी के? पैसा छोड़ दोगे? पैसा हमको नहीं चाहिए सर, कमाते ही इतना प्लांट में, हमको पैसा नहीं चाहिए। क्या लगता है इस बार स्वाभिमान या कामेश्वर बैठा? स्वाभिमान जीतेगा, कामेश्वर बैठा जीतेंगे। स्वाभिमान भी जीतेगा, कामेश्वर बैठा भी जीतेगा, दोनों जीतेगा। स्वाभिमान जीतेगा तो कामेश्वर बैठा ही ऑटोमेटिक जीतेंगे। कौन जीतेगा? कामेश्वर बैठा जी। कामेश्वर बैठा जी कैसे कह सकते हैं? जो मुंह में आगे बोल दिए, कैसे जीतेगा? जो जन सलाह मिल रहा है, जनता का जो मदद मिल रहा है, जनता जो रात दिन एक किए हुए है, इनके इशारा पर गली गली जगह जगह हर जगह इनको मान सम्मान मिल रहा है कि अगली बार कामेश्वर अब की बार हैं। और उम्मीद है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश महासचिव, सभी को उम्मीद है बसपा इस बार झारखंड में अहम रोल निभाएगी और कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रिजल्ट 4 जून को बसपा दिखाने जा रही है, ये उम्मीद है झारखंड बसपा के प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किलांचल टाइम।